नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो इन्फ्लुएंसर को ध्यान में रखते हुए बनाई है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर होते कौन है। अगर आप सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं और किसी भी तरह से किसी प्रोडक्ट का या किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, कोई प्रोडक्ट हाथ में लेके या कहीं पर भी लेके आप प्रमोशन करते हैं उसका, तो जाहिर सी बात है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं। सरकार की नई गाइडलाइन जो है वो सारे इन्फ्लुएंसर को लेकर बनाई गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वो गाइडलाइन समझनी ज़रूरी है। उसके बाद ये भी समझना है कि उसमें पेनल्टी क्या है और ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो आपको अब नहीं करनी। अगर इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपका अकाउंट है और आपके फॉलोअर हैं और आप प्रमोशन करते हो, जस्ट अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को, क्योंकि ये चैनल ना आगे भी आपके बहुत काम में आने वाला है और ये बात आपको आगे रियलाइज़ हो भी जाएगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर बहुत काम की वीडियो आपको मिलने वाली है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी मेरी वीडियो जो आपके काम की है वो मिस ही ना हो। देखो दोस्तों, इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाई थी और मैं 3-4 दिन से देख रहा था, मैं चुप रहा। मैंने कहा पहले इन लोगों की जानकारी ना बांटने दो, उसके बाद मैं सही जानकारी दूंगा। और ऐसे ऐसे चैनल ने भी इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जिन्होंने पास्ट में खुद भी अपने चैनल पर घटिया से घटिया, रद्दी से रद्दी एसेसरीज का, हेडफोन का, एप्लीकेशन का रिव्यू कर रखा है, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रखा था और घटिया से घटिया एप्लीकेशन तक उन्होंने डाउनलोड करवा दी। YouTube पे क्या था कि जब हम किसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है जिसमें आपको लिखना होता है इंक्लूड पेड प्रमोशन। तो उस पर टिक करना होता है कि आप अगर किसी वीडियो में किसी का प्रमोशन कर रहे हैं तो आपको उस पर टिक करना जरूरी है, लेकिन ये लोगों से भी स्किप करते थे। अब कोई व्यूअर है, वो वीडियो देख रहा है, तो उसमें लिख के आता है इंक्लूड पेड प्रमोशन, तो उसको पता होता है कि इस वीडियो में किसी चीज़ का विज्ञापन किया गया है। तो अब यही चीज़ सरकार ने लागू की है और सरकार का कहना इस बारे में ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, अपनी वीडियो में दिखाते हैं, तो आपको उस कंपनी के साथ अपना रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को करने के लिए पैसे लिए हैं। किसी भी तरह का अगर आपने प्रमोशन किया और आपकी ऑडियंस आप वीडियो है उसको देख रही है, तो आपको उसमें बताना होगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को दिखाने के या यूज़ करने के लिए पैसे लिए हैं। लोगों तक ये जानकारी सही तरीके से पहुँचनी चाहिए। उसके लिए सरकार का कहना ये है कि अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हो सपोज, तो जाहिर सी बात है आपकी ऑडियंस जो है वो हिंदी में होगी, हिंदी जानने वाली, तो आपको डिस्क्लेमर भी हिंदी में देना है ताकि वो आसानी से समझ सके। इंग्लिश में बनाते हो तो इंग्लिश में डिस्क्लेमर दो, लेकिन ये नहीं कि आप हिंदी में वीडियो बना रहे हो और डिस्क्लेमर आपने चाइनीज़ में दे दिया या जल्दी से दे दिया कि द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। इतनी जल्दी से नहीं बोलना, धीरे से बोलना है ताकि लोग अच्छे से समझ सकें कि हाँ भाई इस वीडियो में प्रमोशन हो रहा है और जो इन्फ्लुएंसर है जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं वो इस चीज़ का प्रचार कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही प्रचार करना है। अब ये बात केवल YouTube के लिए नहीं है कि YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो हो सकती है। सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप काम करते हो और अपने कंटेंट के माध्यम से किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, तो वहाँ भी ये एप्लीकेबल है। हर तरीके के इन्फ्लुएंसर के लिए है, चाहे वो फूड ब्लॉगर हो, ब्लॉगर हो, ट्रैवलर हो, नो मैटर, इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आता है ना, तो ठीक है उसी के लिए है ये। अब बहुत सारे जो फूड ब्लॉगर थे वो क्या करते थे, सड़े से सड़े जो रेस्टोरेंट होते थे ना, जहाँ अनहाइजीनिक अनहेल्दी खाना बनता था, उससे भी पैसे लेके ना उसके खाने का रिव्यू करते थे, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब उसकी वीडियो पे व्यू आते थे तो लोग जाते थे उसकी दुकान पे और खाना खाते थे। तो अब सरकार ने कह दिया है कि भाई तुझे भी अपनी वीडियो में ये वाली बात क्लियर करनी पड़ेगी कि जो तुम्हारा रिलेशन है उसके साथ वो क्या है। तो उसे ब्लॉगर को बताना पड़ेगा कि इस रेस्टोरेंट वाले से उसने पैसे लिए हैं वीडियो बनाने के, उसके घटिया खाने को स्पॉन्सर करने के। क्योंकि होता क्या है कि हम जब इन्फ्लुएंस करते हैं ना किसी को, अपनी ऑडियंस को, तो वो लोग उस प्रोडक्ट का यूज़ करना शुरू कर देती है। अब वो सही है या गलत है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई पहले इस्तेमाल करें फिर ऐड करें, यानी कि आप पहले खुद देखें कि वो प्रोडक्ट वास्तव में ऐसा है जो आप अपनी ऑडियंस के साथ उसे एंडोर्स कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपने को पैसे का ऑफर मिला। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हमें तो बार्टर मिलता है तो हम तो इसमें नहीं आते। भाई बार्टर जिसको मिलेगा, जैसे सपोज करो दो तरह के कोलेब्रेशन होते हैं, तीन होते हैं, मैं दो की बात कर रहा हूँ, पेड कोलेब्रेशन, बार्टर कोलेब्रेशन और एफिलिएट कोलेब्रेशन। तो इसमें अगर आप प्रोडक्ट का प्रमोशन फ्री में भी कर रहे हैं, यानी कि बार्टर में भी कर रहे हैं, आपको केवल प्रोडक्ट मिला है पैसे नहीं मिले हैं, तब भी आपको ये वाली बात अपने डिस्क्लेमर में देनी होगी, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पर लिख के कि भाई ये मेरे को प्रोडक्ट फ्री में मिला है लेकिन मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, ये बात आपको बोलनी पड़ेगी। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको ये वाली बात लिखनी पड़ेगी सेम लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप वीडियो बनाते हो, जिस लैंग्वेज को आपकी ऑडियंस समझती है, ताकि ईजिली वो उस डिस्क्लेमर को भी पढ़ सके। और ये नहीं वो छोटा सा लिख दिया,
कि जैसे वाटर मार्क बना रहे हो आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा थोड़ा, ताकि ऑडियंस पढ़ सके उसे। तो ये गाइडलाइन है सरकार की हर इन्फ्लुएंसर के लिए, और ये मैटर नहीं करता कि वो किस प्लेटफॉर्म पे है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप पेड पार्टनरशिप करते हैं, किसी भी विज्ञापन को करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को दिखाते हैं, तो ये गाइडलाइन आपके ऊपर भी लागू होती है। और गाइडलाइन का अगर आपने उल्लंघन किया तो 10 लाख रुपये से लेके 50 लाख रुपये तक CCPA जो है वो आपके ऊपर निगरानी रखेगी, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और वो सारे इन्फ्लुएंसर पे इस चीज़ की पर निगाह रखेगी कि अगर आपने गाइडलाइन तोड़ी तो वो आपकी नियम लगा देगी आपके ऊपर पूरा, और हो सकता है कि विज्ञापन करने पे आपकी रोक भी लगा दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको अब क्या गलती नहीं करनी है। अगर आज भी आपके पास कोई प्रमोशन आ रहा है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको उसके विज्ञापन करते समय उसके डिस्क्लेमर में ये वाली बात को लिखना जरूरी है, ताकि आपकी ऑडियंस बिल्कुल क्लियर रूप से समझ सके कि आप उसका विज्ञापन कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि हम जब वीडियो देख रहे होते हैं ना, कई बार टीवी देख रहे हैं, अब उसमें कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, वो 2 मिनट में जो बनती है ना नूडल्स उसको खा के दिखा रहा है, तो हम लोग सोचते हैं अरे यार ये इतने बूढ़े हो गए ये तब भी ये खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। तो अब उनको भी दिखाना पड़ेगा अंकल को कि भाई इसके पैसे मिले हैं मुझे, मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो पैसे मिले हैं तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसी तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑडियंस के साथ शेयर नहीं की जाएगी, सब लोगों को सच बताया जाएगा कि आप इस विज्ञापन को करने के पैसे ले रहे हो, ताकि ऑडियंस इस चीज़ से निश्चिंत रहे कि भाई वो खरीदनी है नहीं खरीदनी है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये होता है कि आप उसे ऐसे कंज्यूम करके दिखा रहे हो जैसे ही आपको बहुत अच्छी लगती है और लोग आपके कहने पर उस घटिया चीज़ को ख़रीद लें। तो ऐसी गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। आप क्लियर करके अपनी वीडियो में मेंशन करें कि मुझे इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए पैसे मिले हैं, या ये वाटर कोलेब्रेशन है, पैसे नहीं मिले हैं लेकिन मैं विज्ञापन ही कर रही हूँ इसका या कर रहा हूँ। बस ये वाली बात आपको क्लियर करके अपनी वीडियो में मेंशन करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर अभी भी नहीं आई हो और कोई क्वेरी मन में हो तो इंस्टा पे हो तो DM कर देना, और YouTube पे देख रहे हो तो भाई सीधी सीधी बात है कमेंट कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम की वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट में बता देना, उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।